और वहीं नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग के कर्मियों के प्रशिक्षण तैयारी जो है वो दूसरे चरण पर पहुंच गई है। सभी 6 विधानसभाओं के मतदान कर्मियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। हल्द्वानी के मुक्त विश्वविद्यालय सभागार और राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में 2-2 विधानसभा मास्टर ट्रेनिंग कर्मियों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि निर्वाचन संबंधित सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। साथ ही कर्मियों का दूसरे चरण का यहां पर रिमेंडाइजेशन किया गया है और इसके साथ ही पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया की शुरू की जाएगी। अभी कर्मचारियों के सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद उनकी जो द्वितीय ट्रेनिंग होती है वो चल रही है 2 दिन से। उसमें ईवीएम का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जा रहा है और जो तैयारी सैद्धांतिक जो ट्रेनिंग होती है वो भी दी जा रही है। इसके साथ जो उनको हैंड्स ऑन कराया जाता है ईवीएम मशीन का, जिसमें उसको ऑन करना है या प्लग इन करना है, ये सारी चीज़ें भी करवा कर हाथ से वो पूरी टीम को सिखाई जा रही हैं। उसमें कुछ मतदान जो कार्मिक हमारे ड्यूटी पर रहेंगे उनको, क्योंकि वोट भी करना है, हमारा इस बार का टारगेट ये है कि लगभग जो है सभी कर्मचारी अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जो भी कर्मचारी इसमें लगते हैं निर्वाचन ड्यूटी पर, तो उनको फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे पोस्टल बैलेट और ईडीसी के ऑप्शन के लिए। तो जो ड्यूटीज हमारी उन विधानसभाओं में हैं जो लोकसभा नैनीताल के क्षेत्र में पड़ती हैं, वो जनरली ईडीसी को ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। वो मतदान के दिन ईवीएम से उसी बूथ से फिर अपना वोट देने के लिए अधिकृत होंगे।